अगेन द सेम थिंग, कीप गोइंग. आपकी राह में लोग आएंगे, हर्डल्स आएंगे, लव मिलेगा, हेट भी मिलेगा. इट्स लाइक आप नॉट ओनली इन बिज गुरुकुल, बट आप कोई भी चीज में चले जाओ, कुछ भी कर लो, आजकल नथिंग इज ईजी. तो मैं हैदराबाद में रहने वाली हूँ, 18 साल की हूँ, एंड आई एम अ नॉर्मल स्टूडेंट कॉमर्स बैकग्राउंड से, और आई बिलोंग टू दिस फील्ड सिंस 5 साल से, क्योंकि मेरा आईसीएसई स्कूल था, तो हमारे आईसीएसई स्कूल में कॉमर्स भी हुआ करता था, तो मैंने 8th क्लास से कॉमर्स ले लिया था. सो आई वॉज स्टडिंग कॉमर्स अभी, और डिग्री में भी मैं BBA पढ़ रही हूँ. साथ ही साथ में मुझे डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट आया, क्योंकि मेरा भाई भी डिजिटल मार्केटिंग करता है, और वो थोड़े प्रोफेशनल लेवल पे करता है, तो मैं इंटर्नशिप्स वगैरह करती थी रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑल ऑफ दैट. अगर आप पढ़ाई की बात ना करें तो आई लव डांसिंग, आई लव रीडिंग, आई यूज टू लव रीडिंग बुक्स, आई वॉज अ स्पोर्ट्स, यू नो, अ बास्केटबॉल प्लेयर बैक इन स्कूल, एंड मैं डिबेटर भी थी, एंड ऐसे तो बहुत सारे इंटरेस्ट हुआ करते थे सर, बट ऐसा यू नो, पहली बार हुआ है कि मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी मिली अपने आप को प्रूव करने की. और स्कूल में भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स और कॉलेज में भी कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे, तो उसमें मैं हरदम आउट, मतलब यू नो, आई यूज टू विन द कॉम्पिटिशन्स, तो वहीं से मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ. फिर आई गॉट टू नो अबाउट दिस, फैमिली का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, और बस 3 महीने पहले स्टार्ट कर दिया. कुछ सोचा नहीं था कि इतना दूर तक आ पाऊंगी, 2 लाख इनकम हिट कर पाऊंगी, एज अ स्टूडेंट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, तो बस कंसिस्टेंसी से किया और हो गया सर. ठीक है, तो जैसे कि आपने बताया कि डांसिंग में भी हो, बास्केटबॉल के अंदर भी हो, सो ऐसा कुछ अभी मतलब सोच रखा है ड्रीम के इन फ्यूचर क्या बनना है एक्चुअली? इन फ्यूचर अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है, अब जस्ट लाइक गो विद द फ्लो टाइप्स हो गया है मेरे साथ. अभी जैसे मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, तो आगे देखते हैं क्या होगा, बिकॉज एवर सिंस आई स्टार्टेड डूइंग बिज गुरुकुल, आई स्टार्टेड बिलीविंग कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, एंड जस्ट गो विद द फ्लो. क्योंकि मैंने 3 महीने के अंदर सोचा भी नहीं था कि मैं 2 लाख इनकम अचीव कर पाऊंगी, और मैंने कर लिया, तो आगे माइट बी देर आर बिगर थिंग्स कमिंग फॉर मी, तो आई डोंट हैव एनी प्लान, आई एम जस्ट गोइंग विद लाइफ, गोइंग विद पीपल एंड going with guidance, everything, just going with the flow. And the most important part is कि आप हर चीज पे act कर रहे हो. That's important. मतलब एक going with the flow एक होता है कि चलो ठीक है, हो गया ठीक है, नहीं हुआ ठीक है, ऐसा नहीं कर रहे आप हर चीज, हर अपॉर्चुनिटी को एक सीरियसनेस के साथ वर्क कर रहे हो उस पे, और तभी आपको रिजल्ट भी मिल रहे हैं. तब क्योंकि क्या होता है ना, गोइंग विद द फ्लो थोड़ा हम गलत ले लेते हैं कुछ लोग यहाँ पे, कि हाँ चलो जैसा चल रहा है चलने दो. नहीं ऐसा नहीं, अपॉर्चुनिटी मिलता है तो उसको यूटिलाइज करो, उसको लो, उसको जानो, और आप अपने आप में ये चीज एक्सप्लोर कर सकते हो कि आपको भी नहीं पता होगा कि यू आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट. यहाँ जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि ये लोग लर्निंग को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं. जब आप ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हो वो लोग, बट दे डोंट सी कि यहाँ पे ट्रेनिंग्स और कोर्सेज एंड सर्टिफिकेट्स का भी बहुत मायने हैं. तो जब आपको स्टेप्स टू सक्सेस ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, वेर अपारस सर ने हमको एकदम शुरू से सिखाया कि आप बायो से लेके आप लीड कन्वर्जन तक कैसा करोगे, तो आई वुड लाइक टू टेल कि प्लीज वो ट्रेनिंग देखो, समझो, एंड लेट योरसेल्फ यू नो सिंक दैट ट्रेनिंग. फिर आप समझोगे खुद, आपको यू नो चीजें समझ में आएंगी, आप खुद ही फिगर आउट करोगे. और सब सब लोगों के लीड कन्वर्जन, लीड यू नो जनरेशन के तरीके अलग अलग होते हैं. अगर मेरे लिए एड्स काम कर रही होती है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए भी करेगी. तो यू नीड टू फाइंड योर ओन वे, दिस इज द डिजिटल वर्ल्ड, तो एनीथिंग कैन हैपन एंड एनीथिंग कैन वर्क आउट फॉर यू. बट अगेन आप बोलते रहते हो ना, कंसिस्टेंट is the key, you have to do it, buckle up. तो कर लिया और फिर हो गया, फिर सीधा 2 लाख पे हुआ. तो देखो जैसा जो मैं आपका सिनेरियो देख रहा हूँ कि आप कंसिस्टेंट थे और हार्ड वर्क कर रहे थे रेगुलर, फिर भी क्या होता है, मतलब मुझे नहीं पता कि वो सच में हुआ नहीं हुआ कि कुछ गलतियां आपने करी फर्स्ट मंथ के अंदर. मतलब वैसे तो लोग, काफी सारे लोग तो बहुत सारी करते हैं, बट लेकिन आपने कुछ करी क्या? हाँ, मैंने मिस्टेक्स तो ऑब्वियसली बहुत सारे किए सर, जैसे कि पढ़ाई के चक्कर में मैं अपने कोर्स को इग्नोर करने लगे, ट्रेनिंग हॉल ऑफ फेम को इग्नोर करने लगे, तो वो सबसे बड़ी गलती हुई. लर्निंग को इग्नोर किया, फिर आपने देखा है मतलब जनरली लोग ना हॉल ऑफ फेम मिस करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब हाँ रेगुलर हाँ नहीं दिखते हैं, ये होता है. हाँ, और मैं घर में भी एरोगेंट टाइप बन जा रही थी, मतलब अपने पेरेंट्स के लिए और मैं मेरे पैसा भैया कमा की लिया अब तो तरफ. मैंने नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं, मेरे को डिमोटिवेट हो रहा था तो मैं अपना गुस्सा उन पे निकालती थी कि ओके, मुझे मतलब स्ट्रेस ऐसे, वाला, स्ट्रेस वाला, हाँ स्ट्रेस वाला निकलता था, बट देवर यू नो अंडरस्टैंडिंग इनफ कि इसको ऐसा हो रहा है, इट्स जस्ट अ फेस, इट विल पास अवे. तो वो एक गलती आप समझ सकते हैं. मैं अपने फ्रेंड से रूड होने लग गई, किसी से भी लड़ लेती थी, कुछ भी कर लेती थी. आज अगर एक सेल आ गई तो मेरा मूड हैप्पी है, अगर नहीं तो इट्स गॉन. तो वो एक गलती है. तो ऐसे गलती तो हुई है सर, अप्स एंड डाउन्स तो आए ही हैं,
मोस्टली 43,000 पे तो मैंने तो सोचा था कि इट्स डन, नहीं होगा अब, लेकिन हो गया अभी करती गई तो. बहुत बढ़िया. सो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे कि आपने जो मैं देख पा रहा हूँ फैमिली तो सपोर्टिव थी आपकी स्टार्टिंग, तो वो तो पूछने की जरूरत ही नहीं कि फैमिली ने सपोर्ट किया या नहीं किया, बट जो बाकी लोग थे, दोस्त थे, बाकी जो लोग थे, उनका क्या सपोर्ट रहा या फिर हेट रहा या फिर उसने कैसे टैकल किया आपने? सर मेरे कुछ गिने चुने दोस्त है, मेरा ज़्यादा बड़ा फ्रेंड सर्कल नहीं है, वो लोग बहुत सपोर्टिव थे, लेकिन अगर मैं क्लासमेट्स की बात करूँ, अगर मैं मतलब थोड़े दूसरे लोग की बात करूँ, तो देवर ऑलवेज डिस्करेजिंग मी, देवर ऑलवेज टेलिंग मी कि तुम ये कंपनी के लिए काम करके क्या कर सकोगी, हाउ फार कैन यू गो, तुम अपना फ्यूचर देखो, तुम मतलब यू नो किसी पे डिपेंड मत रहो एंड ऑल ऑफ दैट. एंड शुरू में जब मैं 25,000 पे थी, तब यू नो मेरा एक क्लासमेट ने बड़े बड़े स्टोरीज भी डाले थे इंस्टाग्राम पे कि इशिका इज अ फेक स्कैम. हाँ ये सब हुआ है सर रियलिटी में, जब मैं 25,000 पे थी तब. मैंने कुछ नहीं सर, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं 25,000 तक आई हूँ, अगर जीरो से मैंने 25 कर लिया है, तो 25 से मैं 10 लाख भी कर लूंगी. एंड वो जब चीज होगी ना, तब उनको अपने आप जवाब मिल जाएगा. क्योंकि उनके साथ बहस करके, ये कंपनी की लीगैलिटी प्रूफ करके, मेरा पॉइंट प्रूफ करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनका जो माइंडसेट है उनका वैसा ही रहेगा. वो लोग को, लोगों को अगर ड्रैग डाउन करना है तो वो लोग करेंगे ही, खुद कुछ नहीं करेंगे, चाहे आप किसी भी लेवल पे चले जाओ वो होता ही है. हाँ, वो करेंगे ही. थोड़े लोगों का माइंडसेट ही ऐसा होता है कि हम तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जो दूसरा कुछ कुछ करने की कोशिश कर रहा है उनको ड्रैग डाउन करेंगे. तो स्टार्टिंग में ऐसा बहुत बहुत हुआ सर मेरे साथ. मेरे जो मतलब बेस्ट फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स है, वो लोग वर सपोर्टिंग एवरी टाइम. जब भी मेरा सेल होता था 25,000 तो दे यूज टू कॉल एंड कॉन्ग्रेचुलेट. वैसे तो सपोर्टिव था, लेकिन व्हेन आई टॉक अबाउट डिफरेंट पीपल, देन इट्स बीन वेरी टफ, वेरी डीमोटिवेटिंग, वेरी डिस्करेजिंग. बट अगेन कंसिस्टेंसी, बिलीव इन माई सेल्फ, बिलीव इन द प्लेटफॉर्म, ट्रेनिंग्स करके कर लिया सर. ज्यादा एक पॉइंट तो ऐसा आ गया, मुझे तो लगा लोग तो बोलेंगे ही. हाँ. लोगों का तो काम ही है बोलना, मतलब समझना पड़ेगी हमें एक चीज, जैसे कि ना मैंने बहुत बार सुना भी है, लोग ना मतलब एथलीट्स पैनिक कर जाते हैं कोई अगर ऐसे स्टोरी डाल दे कि हमारे बारे में कि ये चीज फेक है, ये चीज स्कैम है, ये पर्सन स्कैम, मतलब बहुत डर जाते हैं, तो उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं एक ही बात बोलूंगी कि आपने कोई रीजन की वजह से यह प्लेटफॉर्म को चुना है, आपने कोई स्पार्क देखा होगा, आपने अपने स्पॉन्सर का सक्सेस स्टोरी देखा होगा या कुछ देखा होगा, दैट मीन्स यू सॉ समथिंग इन दिस प्लेटफॉर्म, द प्लेटफॉर्म्स ट्रेनिंग्स, द कोर्सेज, द काइंड ऑफ अटेंशन दे गिव यू, तभी आपने ये प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट किया है. तो जब आप कर ही रहे हो तो लोग तो रहेंगे, जैसे मैंने आपको बोला, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो तो कहेंगे, बट द ओनली थिंग इज आपको खुद पे बिलीव करना होगा और आपको अपने माइंडसेट पे बिलीव करना होगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ और मैं करूंगी भी. और अगर वो बिलीव करने के बाद भी अगर आपका कोई इनकम जनरेट नहीं होता है तो क्या, इट्स ऑल अबाउट पेशेंस, हार्डवर्क एंड देन कंसिस्टेंसी, दैट्स ऑल. दीज थ्री कीवर्ड्स कीप इन माइंड एंड यू विल बी एबल टू डू इट. सर मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी. मैंने खुद से फोन लिया सर अभी रिसेंटली लास्ट मंथ. माय डैड हैज टीयर्स इन हिज आईज, मतलब लिटरली व्हेन ही वाज ओपनिंग अनबॉक्सिंग, तब मुझे ऐसा लगा कि इट्स अ स्पीचलेस फीलिंग सर. यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसा होता है, फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स एंड इट इज वर्किंग आउट फॉर मी and family, everybody is happy. It's a different feeling. Sir, again, the same thing, keep going. आपकी राह में लोग आएंगे, hurdles आएंगे, love मिलेगा, hate भी मिलेगा. It's like आप not only in Biz Gurukul, but आप कोई भी चीज में चले जाओ, कुछ भी कर लो आजकल, nothing is easy. And making money after pandemic is not at all easy. So obviously you will have people mocking at you. You will have people sending you hate comments. You will have people threatening you. But still, the only thing is keep going. आपके राह में जो आए, just ठीक है, एक बार रुको, सोचो, give yourself time again. क्योंकि ये सारी चीजें अपने को mental pressure नहीं करके बैठना है. हमको ना depressed होके नहीं बैठना है कि हमसे नहीं होगा. Give yourself time, heal करो, meditate करो, and just this one thing, keep going. That's all. ये एक ही advice है, keep.